नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जैन। असम के सांसद बदरुद्दीन अजमल ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जनसंख्या वृद्धि की मुस्लिम फॉर्मूले की नकल करने के लिए 18 से 20 साल की उम्र में अपनी बेटियों की शादी करनी चाहिए। अजमल ने कहा कि हिंदुओं की एक समस्या है कि उनकी आबादी मुसलमानों की रफ्तार से नहीं बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हिंदू सही उम्र में शादी नहीं करते, 2-3 अफेयर रखते हैं लेकिन शादी नहीं करते, 40 साल की उम्र में शादी करते हैं। जनसंख्या विस्फोट की खबरों के बीच बदरुद्दीन अजमल का यह बयान बेहद गंभीर है। इस पर बीजेपी ने उन्हें ऐसी बयानबाजी से बचने की सलाह दी और कहा कि ये सब हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे। बदरुद्दीन अजमल ने यह भी कहा कि हिंदू लोग शादी भी करते हैं तो परिवार के दबाव में बताओ कैसे बच्चे पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू सही उम्र में शादी नहीं करता, 40 साल तक 2-3 अवैध बीवियां रखता और फिर शायद फैमिली के प्रेशर में शादी कर भी ले तो बताओ बच्चे कहां से होंगे। उन्होंने एक वीडियो में कहा कि मुस्लिम समुदाय में 18 साल में लड़कियों की शादी की जाती है। अजमल ने कहा हमारे समुदाय में लड़कियों की शादी 18 साल होती ही कर दी जाती है, भारत सरकार इसकी इजाजत देती है, लड़के 22 साल के होते ही शादी कर लेते हैं, इसलिए हमारी आबादी बढ़ रही है। उन्होंने आगे कहा हिंदुओं को भी 18 साल की उम्र में अपनी बेटियों की शादी के मुस्लिम फॉर्मूले का अपनाना चाहिए। बंजर जमीन पर खेती नहीं होती, फर्टाइल जमीन पे होती है। अजमल के विवादित बयान पर राज्य की बीजेपी इकाई ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी एमएलए डी कलिता ने अजमल के बयान पर सख्त प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि उन्हें ऐसी घटिया बयानबाजी से बचना चाहिए। अगर उन्हें यह सब करना है तो बांग्लादेश जाएं, यहां यह सब करने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। हिंदू यह सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप मुस्लिम हैं और हम हिंदू, यह देश भगवान राम और सीता का है, यहां बांग्लादेशियों के लिए कोई जगह नहीं है, हमें मुस्लिम से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। 22 साल में शादी कर लेते हैं लड़कियां, 18 साल सरकार ने इजाजत दी उसके बाद शादी कर लेते हैं, वो लोग 40 साल से पहले 1-2-3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं, उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली, उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? वो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे तो वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहलुहान होगी, तरक्की तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन दो नंबर ही धंधा मत करो।